हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू टूडेज़ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोबायोटिक्स। आज अपन प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे प्रोबायोटिक्स क्या होती हैं किन किन चीज़ों से अपन को मिलती हैं इनके क्या क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं और इनके क्या क्या थेराप्यूटिक यूजेज हैं सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल अबाउट द प्रो बायोटिक्स प्रोबायोटिक्स आर गुड बैक्टीरिया मीनिंग प्रोबायोटिक्स क्या हैं अपने लिए बैक्टीरिया हैंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द जी आई टी जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया और फ्रेंडफुल बैक्टीरिया जो होते हैं फ्रूटफुल नेचर बैक्टीरिया जो होते हैं जो अपने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं उन बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे प्रोबायोटिक्स और जो अपन को नुकसान पहुँचाते हैं बैक्टीरिया उनको बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो अपनी पैथोजेनेसिस को डिस्टर्ब कर दें उसको अपन बोलेंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट कॉज अ डिजीज जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं बट प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया फाइट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ये जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया से क्या करते हैं फाइट करते हैं इट मीन्स ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर मान लो एंटर कर भी जाता है तो अपने जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया अपन को उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचाते हैं देयर फोर वी कैन से दैट प्रोबायोटिक्स आर गुड बैक्टीरिया मीनिंग फ्रेंडली नेचर बैक्टीरिया होते हैं इसीलिए इनको क्या बोला है फ्रेंडली नेचर फ्रेंड ऐसा फ्रेंड होता है जो अपने फ्रेंड की हेल्प करे यहाँ पे ये भी बैक्टीरिया कैसे हैं अपने होस्ट की हेल्प करते हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देते हैं इसीलिए इनको क्या बोलते हैं प्रॉफिटेबल बैक्टीरिया सो दैट प्रमोट द हेल्दी डाइजेशंस इट मीनस जो आपके प्रॉफिटेबल बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं हेल्दी डाइजेशन हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करते हैं मीनिंग भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं सिमिलरली एब्जॉर्प्शन ऑफ द शम न्यूट्री न्यूट्रियट्स जो अपने न्यूट्रासुटिकल्स थे न्यूट्रियट्स थे उनके एब्जॉर्प्शन में फ्रॉम द जी आई टी जी आई टी से एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं दीज बैक्टीरिया की पावर बॉडी हेल्दी हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और वर्किंग बैल और वर्किंग वेल मीनिंग अपने काम काज में अच्छी तरीका से लगी रहे हमारी बॉडी इस टाइप की बॉडी को यह क्या करते हैं मेंटेन करते हैं सो वी कैन से दैट प्रोबायोटिक्स आर गुड बैक्टीरिया दैट हेल्प टू अस बाय प्रमोटिंग द हेल्दी डाइजेशंस एंड एब्जॉर्बन ऑफ द सम न्यूट्रिएंट्स एंट्स दीज बैक्टीरिया कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड वर्किंग वेल सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोबायोटिक्स आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है प्रोबायोटिक्स के बारे में आपको पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि प्रोबायोटिक्स आर द गुड बैक्टीरिया सिंपल नाउ दीज बैक्टीरिया हेल्प हेल्प अस हमारी सहायता करते हैं बाई फाइटिंग द फाइटिंग ऑफ बैड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया यहाँ पे कौन से हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया मीनिंग ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करें पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीनिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं अपन पैथोजेनिक बैक्टीरिया सो इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो लड़ते हैं और हमें क्या बनाते हैं हेल्दी बनाते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपने देखा होगा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस दही जो होता है दही कर्ड कर्ड जो है कर्ड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोबायोटिक प्रिपरेशंस जो प्रोबायोटिक प्रिपरेशन है इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कर्ड दही अपन जो दही लेते हैं दूध से बनाते हैं उस दही के अंदर लैक्टोवेसिलस बैक्टीरिया रहता है दैट इज फ्रूटफुल इन नेचर जो हमारे लिए फ्रेंडली नेचर दिखाता है और रोगों से लड़ने की क्या देता है पावर देता है

वेरी हेल्पफुल टू अस हमारे लिए किस तरीका से हेल्पफुल हैं तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि दीज प्रोबायोटिक्स हेल्प अस बाई अधेरिंग अधेरिंग मतलब अपनी जो इंटेस्टाइन है जी आई टी है वहाँ पर जाएंगे अधेर मीनिंग वहाँ पर स्टिक हो जाएंगे एंड कॉलोन कॉलोनाइजिंग इन द गट जो अपनी गट है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके अंदर सब जगह पूरी की पूरी जो जी है इसके अंदर क्या हो जाएंगे ये अधेर हो जाएंगे और उसके अंदर अपनी कॉलोनी डेवलप अप करेंगे और कॉलोनी कॉलोनाइजिंग मतलब अपनी कॉलोनी डेवलप अप करेंगे सब जगह फैल जाएंगे एंड सप्रेसिंग सप्रेस मतलब उसको धीमा कर देंगे सप्रेस मतलब किसी भी चीज़ को सप्रेस करने का मतलब धीमा कर देना सप्रेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया बढ़ गए हैं हमारी जीआईटी के अंदर उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया के बढ़ने को रोकेंगे मीनिंग सप्रेस द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करना है एंड इंप्रूविंग द इंटेस्टाइनल वर्क जिससे क्या होगा अपना जो जी है उसका वर्क प्रॉपर आ जाए सपोज इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया सपोज करो कोई पर्सन को दस्त लग गई है मीनिंग डायरिया हो गया है डायरिया होने का मीनिंग है उसकी जो इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल्स हैं उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम आ गई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्यों आ गई है क्योंकि उस वो दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंफेक्शन इन द जीआईटी जीआईटी के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया का इंफेक्शन फैल रहा है और ये इंफेक्शन जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है इनक्रीजेज द पेरिस्टाइलिस मूवमेंट ऑफ द बॉडी जो पेरिस्टाइलिस मूवमेंट है इंटेस्टाइन का उसको बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से पर्सन विल सफर फ्रॉम द डायरिया डायरिया से सफर कर रहा है पर्सन को दस्त लग गई इन दिस केस प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द जी सबसे पहले यह क्या करेगा उस जी का जो मूवमेंट गड़बड़ा गया है उसको कंट्रोल करेगा जिससे आपको जो बार बार डायरिया हो रहा है उस पर कंट्रोल हो जाएगा देन दिस प्रोबायोटिक मटेरियल फाइट विद द पैथोजेनिक बैक्टीरिया उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया से फाइट करेगा और उनको किल करेगा फाइनली प्रोबायोटिक क्या करेगा मेंटेन द जी हेल्थ जो आपकी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको हेल्दी बना देगा एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में ला के रखेगा एंड बाई स्टिमुलेटिंग द मोस्ट म्यूकोजल एंड सिस्टेमिक इम्यूनिटी यह क्या करेगा अपनी सिस्टेमिक जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप करेगा मीनिंग रोगों से लड़ने की पावर प्रदान करेगा देन कंट्रोलिंग द एक्सचेंज ऑफ डाइटरी एंटीजन जितने भी डायट्री एंटीजेंस हैं उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए अपन को पावर प्रोवाइड करेगा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थेरापूटिक यूजेज ऑफ द प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स को अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इनके क्या थेराप्यूटिक यूज हैं सो वी कैन से प्रोबायोटिक्स हेल्प आस टू मैंटेन द बैलेंस एंड इक्वलीविरीम इन द डायजेस्टिव सिस्टम जितना अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जी आई टी जी आई टी का मतलब गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इस ट्रैक्ट की जो पेरिस्टाइलिस मूवमेंट बढ़ जाती है ड्यूरिंग द डायरिया डायरिया के दौरान उसको मेंटेन करने का काम उसको बैलेंस करने का काम मीनिंग मेंटेन द बैलेंस और इक्वलीविरियम इक्ुलिविरियम मीन सामंजस्य ढालना अपना जो मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट बढ़ गया है गड़बड़ा गया है जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट उसको इक्वलिवरेट करना मीनिंग बैलेंस करना दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोबायोटिक्स नेक्स्ट दिस इज ड्यू टू देयर एबिलिटी ये जो फंक्शन आ रहा है वो क्यों आ रहा है ड्यू टू देयर एबिलिटी क्योंकि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है टू रिस्टोर द नेचुरल बैलेंस जो आपका नेचुरल बैलेंस होना चाहिए बॉडी का और जी ट्रैक्ट के मूवमेंट का उसको ये बैक्टीरिया क्या करता है मेंटेन करता है दे प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स जिससे अपन को हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं एंड दे आर नॉन फॉर देयर एबिलिटी टू प्रिवेंट द डायरिया रिड्यूस इट्स एक्टिविटी इट मींस वी कैन से दैट प्रो बायोटिक्स आर वेरी यूजफुल टू ट्रीट डायरिया नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर थैराप्यूटिक यूजेज प्रोबायोटिक्स आल्सो रिड्यूज द रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस मीनिंग जो प्रो बायोटिक्स होती हैं दीज प्रिपरेश रिड्यूज द रिस्क ऑफ द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस मीनिंग इफ आ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्टेड डायरिया इट मीन्स इट मीन्स जो पर्सन इन्फेक्टेड डायरिया से सफ़र कर रहा है उस पर्सन के अंदर प्रोबायोटिक रिड्यूस करती हैं ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने को सो वी कैन से दैट दे रिड्यूज़ द रिस्क ऑफ द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस दे प्रमोट रेगुलर बॉबेल मूवमेंट। मीनिंग जो आपका फिसीज है स्टूल है इसका रेगुलर मूवमेंट मेंटेन करने के लिए अपना जो इंटेस्टन का पेरिस्टाइल्सिस मूवमेंट है इस पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट को मेंटेन करना और रेगुलर करना किसका काम हो जाता है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का लेक्टोवैसिलस लेक्टोवैसिलस जो बैक्टीरिया है उसका दे दे प्रमोट रेगुलर मॉबल मूवमेंट एंड आल्सो प्रमोट और मॉडुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैप्टाइट्स कुछ पैप्टाइट्स होते हैं प्रोटीनस कंपाउंड मीनिंग प्रोटीन्स प्रोटीनस कंपाउंड को भी क्या करता है मॉडूलेट करता है प्रमोट करता है इनके प्रोडक्शन को सो दे मॉडुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैप्टाइट्स इनर्जी मेटाबॉलिज़म एट्सेट्रा इन सबको क्या करता है ये मॉडुलेट करता है जिसकी वजह से अपना जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एनवायरमेंट है वह इक्वलीवरेट हो जाता है वह क्या हो जाता है आपका बैलेंस्ड हो जाता है दे इनिशिएट एंड रेगुलेट द इम्यून फंक्शन जो हमारे इम्यून फंक्शन है इम्यून फंक्शन मतलब रोगों से लड़ने की जो पावर है उसको मेंटेन करते हैं दे एनहेंस द बॉन्ड डेंसिटी अपनी जो बॉन्स हैं हड्डियाँ हैं इन हड्डियों को मजबूत भी बनाती हैं बिकॉज दे आल्सो कंटेन द कैल्शियम आपने देखा होगा जो दही है प्रोबायोटिक्स जो दही है जो कार्ड है दैट आल्सो कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम सो दे एनहेंस द बॉन्ड डेंसिटी एंड इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जिससे क्या होगा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और हमारी जो बॉन्स हैं हड्डियाँ हैं वो मजबूत हो जाएंगी दे इंक्रीज द मिनरल्स एब्जॉर्प्शन जितने भी मिनरल्स हैं देट आर रिक्वायर्ड इन द माइन्यूट क्वांटिटी और ट्रेस अमाउंट दस इम्प्रूव द बोन हेल्थ जिसकी वजह से जितने भी मिनरल्स हैं उनकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस शो करने लग जाती है ना अब बात आती है कि ये जो प्रोबायोटिक्स हैं हमें कब ज़रूरत रहती है वैन यू नीड द प्रोबायोटिक्स मीनिंग प्रोबायोटिक्स की हमें कब ज़रूरत पड़ती है कब हम खा सकते हैं इनको कब ले सकते हैं तो अपन ने देखा कि अपनी जो जी है इसको मेंटेन करने के लिए प्रोबायोटिक्स अपन रेगुलर ले सकते हैं और इफ़ अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम मीनिंग इफ़ यू इफ यू हैव नोटिस्ड दैट गैस इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम यदि आपके पेट के अंदर गैस बनती है गैस बनने की प्रॉब्लम है कई लोगों को आपने देखा होगा गैस बनती है खाना खाती गैस बनने लग जाती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या डायरिया की प्रॉब्लम रहती है कई लोगों को और दैट मीनिंग जो गैस है वो स्मेल बैड स्मेल आती है जब भी गैस बाहर निकलती है बॉडी से तो क्या आती है बैड स्मेल फॉल स्मेल आती है इट मीन्स नाउ पर्सन रिक्वायर प्रोबायोटिक्स अब उस पर्सन को रिक्वायरमेंट है प्रोबायोटिक्स कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि प्रोबायोटिक्स लो और प्रोबायोटिक्स के रूम में आजकल सो मेनी टेबलेट्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट एज ए प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक के रूप में आपको लेक्टोबैसिलस की कई टैबलेट्स मार्केट में आ रही हैं जैसे कि स्पोरोक आ रही है मार्केट में लेक्टोबैसिलस स्पोर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर दे आल्सो एक्ट एज ए प्रोबायोटिक्स सो सम फूड मटेरियल्स हैं हमारे यहाँ पे जिस जो दे आर आल्सो एक्ट एज ए प्रोबायोटिक्स फूड मटेरियल जैसे अपन ने देखा फर्मेंटेड फूड जितने भी फर्मेंटेड फूड हैं जो अपन फर्मेंटेशन के द्वारा बनाते हैं दे आल्सो एक्ट एज ए प्रोबायोटिक्स कार्ड है दही है जो योगर्ट के नाम से भी जाना जाता है योगर्ट इसको अपन योगर्ट भी बोलते हैं दही को ठीक कैफिर दही जैसा ही प्रोडक्ट है जो कि फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है कॉम्बुचा है मीसो है टेम्पे है दैट आल्सो द सो मनी प्रिपरेशंस दैट प्रिपेयर्ड बाई द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड एक्ट एज ए प्रोबायोटिक्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रीबायोटिक अब अपन क्या करेंगे प्रीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे प्रीबायोटिक्स क्या होती हैं और अपन प्रीबायोटिक का यूज़ कब करते हैं और कब हमें करना चाहिए प्रीबायोटिक्स क्या होती हैं प्रीबायोटिक्स कब यूज़ करनी चाहिए अपन को सो प्रीबायोटिक्स आर द इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स आप इतना समझ लो कि इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ़ द प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो अपन प्रोबायोटिक चीज़ ले रहे हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को ले रहे हैं जैसे कि अपन ने सपोज करो दही लिया तो ये जो कर्ड है दही लिया यह कर्ड क्या करता है अपनी पूरी जी के अंदर स्पीड हो जाता है फैल जाता है अब इसकी ग्रोथ करवाने के लिए इसको मेंटेन रखने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं प्रीबायोटिक्स मीनिंग अब जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं उन प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए वी आल्सो रिक्वायर द न्यूट्रिशंस फॉर द बैक्टीरिया सो दिस टाइप ऑफ द नॉन डाइजेस्टेबल और इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज ए प्री बायोटिक्स इसीलिए इनको बोला है प्री बायोटिक्स मीनिंग ऐसी बायोटिक्स जो प्रो बायोटिक्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हों देन दीज आर कॉल्ड प्री बायोटिक्स सो वी कैन से प्री बायोटिक्स आर द इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते अपनी जी आई टी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती ब्रेकडाउन हो जाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है सो दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द गुड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया मीनिंग जो अपन ने प्रोबायोटिक बैक्टीरिया लिए थे लाइक द लेक्टोवैसीस एंड बीफीडो बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करना उनकी ग्रोथ को आगे बढ़ाने का काम क्या करते हैं प्रीबायोटिक्स सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एज फॉर एग्जाम्पल लेक्टोवैसिलस एंड बिफीडो बैक्टीरिया

जब क्या होता है डिफरेंट टाइप्स की गैसेज बनती हैं जी आई के अंदर एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स यहाँ पर ध्यान देने योग्य है बात जब भी अपन प्रीबायोटिक्स यूज करते हैं तो क्या होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है एंड फर्मेंटेशन के बाद एक सब्सटेंस बनता है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म फैटी एसिड इसको अपन एस भी बोलते हैं शॉर्ट टर्म फैटी एसिड्स विच फीड द बैक्टीरिया इस जो शॉर्ट टर्म फैटी एसिड्स होते हैं दैट इज द प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो आपके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड बिफिडो द शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स टू ग्रो अपनी ग्रोथ करवाने के लिए जरूरी सब्सटेंसेज है बिच फीड द बैक्टीरिया एंड कॉलोनिक लाइनिंग सेल्स जिससे वो अपनी क्या बनाते हैं कॉलोनी बना लेते हैं जी आई टी के अंदर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस एग्जाम्पल्स प्री बायोटिक्स प्री बायोटिक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं लाइक हॉल ग्रेन्स हैं आपने देखा होगा हॉल वीट वीट मतलब आपका जो गेहूं है गेहूं जिसमें अपन बोल सकते हैं दलिया दैट इज वेरी गुड सोर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्रोबायोटिक बैक्टीरिया एंड इट एक्ट एज ए प्री बायोटिक्स सो वीट नेक्स्ट ऑनियन प्याज है सिमिलरली लीक्स हैं जो लीक्स हैं लिक्स आर अ सिमिलर वेजिटेबल दैट सी एज लाइक एज द क्रूसी फेरियस प्लांट लाइक द ऑनियन प्लांट जैसे अपनी प्याज का जो कच्ची प्याज है इसकी प्लांट की जो पत्तियाँ दिखती हैं सिमिलरली लिक्स भी इसी टाइप की वेजिटेबल है एंड पोटैटो बनाना देखा होगा आपने जैसे कि आलू है आलू आल्सो एक्टेज प्री बायोटिक्स सिमिलरली बनाना बनाना केला कस्टर्ड एप्पल्स कस्टर्ड ऐपल जैसे कि आपने देखा होगा सीताफल दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द प्रीबायोटिक्स बायोटिक्स वाटर मेलन तरबूज है ग्रेप फ्रूट्स आपके जो अंगूर के फ्रूट्स हैं वो ओट मील्स दीज आर वेरी यूजफुल फॉर द प्रमोशन ऑफ द प्रोबायोटिक बैक्टीरिया सिमिलरली वेजिटेबल्स अदर वेजिटेबल्स अदर वेजिटेबल्स में आप देख सकते हो कॉलीफ्लावर फूल गोभी आती है आपकी कोकुम्बर खीरा वीरा आते हैं आपके इसी तरीका से कैरेट है गाजर जिसको बोलते हैं रेडिस मूली है एंड स्पिनेच की मीनिंग पालक है दैट आल्सो आ गुड एग्जाम्पल एज ए प्रीबायोटिक तो अपन को बिल्कुल भी हैजिटेट नहीं होना है बहुत ही सिंपल टॉपिक था आपका प्रीबायोटिक जिसके अंदर अपन ने वीट है ऑनियन है लीक्स हैं पोटैटोज हैं बनाना है कस्टर्ड एप्पल जिसको सीताफल बोलते हैं वाटरमेलन जिसको तरबूज बोलते हैं ग्रेप्स फ्रूट जिसको अंगूर बोलते हैं ऑट मिल्स हैं कॉलीफ्लावर कोकम्बर्स कैरट्स रेडिस स्पाइनिज ये सब क्या करते हैं प्रीबायोटिक्स का काम का का करते हैं नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द प्रीबायोटिक्स ये प्रीबायोटिक कैसे काम करती है प्रीबायोटिक्स कैसे काम कर सकती है अपन को पता चल गया कि प्रीबायोटिक्स नॉन डाइजेस्टेबल मीनिंग नॉन और इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं सो दीज प्रीबायोटिक्स आर द नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाई द अपर जी आई टी एंड ट्रेवल इन द इलियम पूरी इलियम के अंदर ट्रैवल करते हैं शुरू से माउथ से लेकर के लास्ट तक एंड कॉलोन के अंदर भी जाते हैं वेयर दे आर ब्रोकन डाउन जहाँ पे ये लास्ट में टूट जाते हैं ब्रो, ब्रोकन डाउन बाई द प्रोबायोटिक माइक्रोब्स के द्वारा और आराम से ये क्या करते हैं एक अपनी पूरी जीआईटी है उसको भी साफ़ कर देते हैं एकदम एंड जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ धीमे धीमे करके बढ़ती जाती है बिकॉज ये इनडाइजेस्टेबल थे आपने माउथ से लिए स्टमक में गए वहाँ भी डाइजेस्ट नहीं हुए स्मॉल इंटेस्टाइल में गए वहाँ डाइजेस्ट रहे आपके डाइजेस्ट नहीं हुए लार्ज इंटेस्टाइन में गए वहां भी इनका डाइजेशन नहीं हुआ इट मीन्स जहां जहां बैक्टीरिया था प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उसको इसकी जरूरत थी उसने इसका यूज किया और ग्रो कर ली और लास्ट में ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं सो दे स्टॉप इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग मान लो कोई पर्सन इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग से सफर कर रहा है तो ऐसे पर्सन को डॉक्टर सलाह देते हैं भाई प्रोबायोटिक लो और प्रोबायोटिक के साथ में प्रीबायोटिक्स मीनिंग आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी हैं जिसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल दिए थे अभी ऑनियन है लीक्स है पटेटो बनाना कस्टर्ड कोकुम्बर कैरट्स रेडिस स्पिनिच दैट एक्ट एज ए प्रीबायोटिक्स इनको सबसे ज़्यादा लेना है तो इट मीन्स वी कैन से दैट प्री बायोटिक्स आल्सो वेरी यूजफुल और हेल्प टू स्टॉप द इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इन द इंटेस्टैंड बिकॉज दे कोट द होस्ट सरफेस रिसेप्टर्स ये क्या करते हैं अपना जो जी है उसकी इंटरनल जो सरफेस है उस पर एक कोट बना लेते हैं जिसकी वजह से अल्सरस पेशेंट जिसको अल्सर हो गया है बूंद फॉर्म हो गया है इंटेस्टाइन के अंदर स्टमक के अंदर दैट इज आल्सो ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ द प्रीबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स के द्वारा उनको ट्रीट कर सकते हैं दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रिलेटेड टॉक्संस मान लो बॉडी के अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है सो दीज टॉक्सिन्स आर आल्सो रिड्यूस और इनहिबिटेड बाय द हेल्प ऑफ द प्रीबायोटिक्स ये प्रीबायोटिक क्या करती हैं उनसे कंबाइन कर लेती हैं रिएक्ट कर लेती हैं और उनकी टॉक्सिसिटी को कम कर देती हैं उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देती हैं उनकी टॉक्सिसिटी को आगे बढ़ने नहीं दे नहीं देती हैं इसको बोलते हैं कि प्री बायोटिक्स ऑल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द रिलेटेड टॉक्सिंस विच आर प्रोड्यूस बाई द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द जी आई के अंदर पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है उससे फाइट करती है आपकी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया अब प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ने मान लो सपोज करो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर दिया किल करने से क्या हुआ एंडोटॉक्सिंस निकलते हैं क्या निकलते हैं एंडोटॉक्सिन्स उनकी टॉक्सिसिटी बढ़ती है इस एंडोटॉक्सिन्स की एक्टिविटी को कम करने के लिए प्रीबायोटिक्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे रिड्यूस और दे रिएक्ट टू स्टॉप द एक्शन ऑफ द टॉक्सिन्स सो दे प्रोड्यूस एस सी एफ ए शॉर्ट टर्म शॉर्ट चैन फैटी एसिड्स होती हैं उनको बनाती हैं बाई द ब्रेकडाउन ऑफ द बैक्टीरिया

मेटाबॉलिज्म जितना भी बॉडी के अंदर होता है फैट मेटाबॉलिज्म प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसके अंदर भी यह कंट्रोल करता है एंड बूस्ट द इम्यूनिटी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपनी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको भी प्रीबायोटिक्स क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं इट मीन्स वी कैन से दैट प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स आर वेरी यूजफुल टू मेंटेन द हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज पर्टिकुलरली इन द इंटेस्ट टाइम आज के लिए इतना ही काफ़ी है नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे